जी हाँ गाइस, नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनिए भाई, सबसे पहले भाई तैयार, सबसे पहला बात मैं बता दूँ कि मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो उसका कारण है कि मैं कहीं पर गया हुआ था, इसी कारण मैं, या तो मुझे कुछ तबीयत ख़राब था भाई, इसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो अब से सुन लो भाई, रोज़ संडे को वीडियो आएगी, ठीक है ना। पिछला संडे को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसी कारण आज मैं फ्री था, तो आज मैं ट्यूसडे को अपलोड करता, अगर दिया हूँ तो ट्यूसडे के बाद जो अगली वीडियो होगी वो संडे को होगी। या तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ ड्रीम इलेवन की टीम दूँ, रोज़ अब वीडियो मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन की टीम मैं दूंगा। और सबसे पहली बात भाई, तो क्योंकि प्रो कबड्डी शुरू हो चुका है, आप लोग को पता होगा, और प्रो कबड्डी में धमाकेदार ड्रीम इलेवन की टीम भी सब ले रहे हैं, तो भाई उन पर लगाओगे तो आप लोग इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो आप लोग रिटर्न में बहुत सारा अमाउंट जीत सकते हो। क्योंकि प्रो कबड्डी में तो ज़्यादातर आपको पता होगा, एक बात क्लियर कर देता हूँ, डिफेंडर्स का बोलबाला रहता है, तो प्रो कबड्डी में डिफेंडर्स का बोलबाला रहेगा, तो आप लोग डिफेंडर को कप्तान या वाइस कप्तान बना के बहुत सारा मारते हो। तो वही मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं शुरू किया हूँ प्रो कबड्डी पैकेज, ठीक है ना। जिसको प्रो कबड्डी पैकेज की एंट्री फीस है 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ में आपको कप्तान, वाइस कप्तान, मेरा सेम टीम यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो भाई, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मैं उसी पर वीडियो अपलोड कर दूँगा कि हाउ टू प्रो कबड्डी पैकेज, हाउ टू मतलब प्रो कबड्डी पैकेज आप लोग कैसे ले सकते हो, ठीक है ना। प्रो कबड्डी पैकेज कैसे ले सकते हो, तो वो रुपीज़ आपको लगेगा पे, ठीक है ना, 500 रुपीज़ लगेगा एक का, ठीक है। तो वो पैकेज आप लोग ले सकते हो, मैं वो वीडियो देख के टेलीग्राम पे वीडियो आ जाएगी, टेलीग्राम में चैनल खोल लेना, वहाँ से तो उसके जिसे लेना होगा प्रो कबड्डी पैकेज वो ले सकता है भाई, वो जब आपको टीम मिलेगा। तो प्रो कबड्डी में मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जितना इन्वेस्ट करोगे उतना अमाउंट विन करोगे, क्योंकि प्रो कबड्डी सीज़न 7 बहुत धमाकेदार होने वाला है भाई, और इसी से बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं, अच्छा अच्छा टीम देके, और लगभग उनका टीम वर्क कर रहा है। तो भाई आज सबसे पहले मैं बिना समय गवाए आज के दूँ, बाकी बातें ठीक है ना लास्ट में कर लेंगे प्रो कबड्डी पैकेज के, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको आज के ड्रीम इलेवन की टीम दे देता हूँ। तो ड्रीम इलेवन की आज की मैच है भाई, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लो, बैंक दो मैचेस हैं आज ड्रीम इलेवन में। पहला मैच है ड्रीम इलेवन आज प्रो कबड्डी में, दो दो मैचेस हैं, पहला बंगाल वॉरियर्स और यूपी था, जो 7:30 बजे खेला जाएगा और लगभग 8:20 तक ख़त्म हो जाएगा भाई, 8:20 तक। और दूसरा मैच है दिल्ली दबंग दिल्ली और तेलुगु टाइटन्स का, जो 8:30 से होगा और 9:30 के बीच में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पास सबसे पहले तो बंगाल वॉरियर्स और यूपीओ तक की टीम मैं आपको दे देता हूँ आज का, ठीक है। तो आप लोग दो तीन टीम कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। सबसे पहले भाई मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दे देता हूँ, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम आज की है भाई, ठीक है। तो पहले डिफेंडर में लेना है, तो डिफेंडर में आज आप लोग ले सकते हो, पर मैं यहाँ पर जीवा कुमार के साथ जाऊँगा, सब ड्रॉप करता हूँ, रेडर्स है सब ड्रॉप कर देता हूँ फिलहाल। अभी डिफेंडर दो हो गया मेरे पास, ही देख लो, यहाँ पे एक फ्री लंगे हो गया, इसे छोड़ करके आप आर नरवाल को ले लो, और ऑलराउंड यहाँ से ले लो, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से ले लो एम ऊपर वाला एम एम जी एच जो है उसे ले लो, एम क्या नाम है, एक सेकंड भाई, इसका नाम क्या है यार, मोहसिन मकसूदलू को ले लो भाई, मोहसिन मकसूदलू नाम कितना बड़ा यार, नहीं पता चलता, तो मोहसिन मकसूदलू को ले लो। और यहाँ पे सचिन कुमार को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप लोग यहाँ से नरेंद्र को साथ जा सकते हो, अच्छा डिफेंस है। तो और बात करें रेडर की, सबसे मेन बात भाई यहाँ पे आपको रेडर आता है, तो रेडर सबसे बेस्ट पिक होगा आपके लिए। तो रेडर मैं आपको बहुत अच्छा रेडर बताता हूँ कि इस मैच में रेडर क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो महेंद्र सिंह को ले लो, यहाँ से आपको रिसन देविडिगा को ज़रूर पिक करना भाई, और सुकेश हेगड़े को पिक कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मोनू गोयत को ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज या तो महेंद्र सिंह को ड्रॉप करके मोनू गोयत को ले लो भाई, ठीक है, मोनू गोयत को ले लो महेंद्र सिंह को ड्रॉप करके, और जिसान देविडिगा और सुकेश हेगड़े, सुकेश हेगड़े खासकर भाई बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि ये अच्छा खासा पॉइंट आपको देगा रेड में, आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देने वाला सुकेश हेगड़े। तो मैं आपको हाई चांस के साथ बता रहा हूँ कि सुकेश हेगड़े को लोगे तो आप लोग अच्छा खासा विनिंग करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा महेंद्र, मोनू गोयत को अगर ड्रॉप करते तो आपकी टीम मनिंदर सिंह आ जाएगा, और अगर आप लोग महेंद्र सिंह को ड्रॉप करते तो टीम में मोनू गोयत आ जाएगा। तो ये सब सोच लेना, लेकिन मेरे लिए मोनू गोयत ही बेस्ट है, बिकॉज ये अच्छा फॉर्म कर सकता है,
महिंदर सिंह को ड्रॉप किया, निशान द्विवेदी का भी फॉर्म है तो अच्छा खेलता है तो इसे भी बहुत लोग पिक करेंगे, तो मैं पिक कर लेता हूँ। जीवा कुमार और यहाँ पे आर नरवाल को लिया है यहाँ पे डिफेंस पे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो लिया है एम मक्सोलू को और नरेंद्र को लिया यूपी उदय का। और यहाँ पे ट्रेडर में मोनू गोयत को लिया, ऋषभ द्रविड़िका को लिया और सुकेश हेगड़े को लिया। कप्तान की चॉइस, सबसे बेस्ट चॉइस कप्तान की चॉइस, मैं आपको कप्तान वाइज कप्तान की चॉइस बता दूँ तो कप्तान आज के मैच के लिए मैं बनाऊँगा भाई, कप्तान आज के मैच की चॉइस के लिए बताऊँगा मैं भाई भाई मोनू गोयत को, और वाइस कप्तान मैं कोई डिफेंडर जैसे नरेंद्र को बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वाइस कप्तान बना सकते हो नरेंद्र की जगह पे देखो भाई, ठीक है ना। जीवा कुमार को आप लोग वाइस कप्तान बना सकते हो अपना, क्योंकि बहुत अच्छा खासा रेडिंग करता है, डिफेंस कमाल से, डिफेंस में बहुत कमाल कर चुका है, अच्छा खासा पॉइंट दे देता है। तो यार बिना सोचे समझे आप लोग जीवा कुमार को वाइस कप्तान बना सकते हो, ये डिफेंस में चलता है, डिफेंस में अच्छा खासा कर सकता है, टैकल कर सकता है। ठीक है, तो कप्तान मैंने बनाया मोनू गोयत को, आप चाहो तो कप्तान बना सकते हो ऋषभ द्रविड़िका को या तो सुकेश हेगड़े को, तो मैंने बनाया है मोनू गोयत को, बाकी आपकी चॉइस भाई यही टीम के साथ जा सकते हो आप लोग। बाकी टेलीग्राम पे न्यूज़ आ जाएगी 6:30 बजे, आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, आप लोग आ सकते हो। तो बात करें अब यहाँ पे ये क्वालिफाइड टीम कॉम्बिनेशन, अब बात करें दूसरे मैच की, ठीक है, अब बात करें दूसरे मैच का दबंग दिल्ली और है तेलुगु टाइटंस का। ठीक है, दबंग दिल्ली और तेलुगु टाइटंस का सबसे पहले तो इस पर दो टीम कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला टीम मैं दिखा देता हूँ एडिट करके दोबारा से भाई आपको। यहाँ से आप लोग को डिफेंडर में विशाल भारद्वाज को तो बिल्कुल पिक करना है और विशाल माने को पिक करना है। रविंद्र पहल को आप लोग ड्रॉप करोगे तो, लेकिन रिक्स टॉप के लिए बहुत ज़्यादा होगा, रविंद्र पहल को ड्रॉप करना, विशाल भारद्वाज को लेके रविंद्र पहल को ड्रॉप करोगे, या तो यहाँ से आप लोग चाहो तो यहाँ से हम देख लें यहाँ पे ये विशाल भारद्वाज को लिया विशाल माने, तो यहाँ से विशाल माने को ड्रॉप करके रविंद्र पहल को ले सकते हो, या तो यहाँ पे विशाल माने को लो और विशाल भारद्वाज को लो और रविंद्र पहल को ड्रॉप कर दो। रविंद्र पहल या विशाल माने में आपको एक ना एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर में भाई आप लोग यहाँ से ले सकते हो मिराज शेख है, यहाँ पे विजय है, तो भाई मैं अरमान है, बहुत सारा अच्छा अच्छा ऑलराउंडर है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके लिए तो मिराज सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑलराउंडर सेक्शन के लिए। और दूसरा बात करें तो यहाँ से आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग विजय को ले लो ऑलराउंडर सेक्शन से, अच्छा चॉइस देगा। चॉइस की बात करें तो आप अरमान के साथ जा सकते हो, डी जनीस के साथ जा सकते हो, बलराम के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं तो जाऊँगा यहाँ पे विजय के साथ। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी भाई, मैं ऐसे दो ऑलराउंडर ले रहा हूँ, आप देख सकते हो मिराज शेख को और विजय को। अब बात करें रेडर की, तो रेडर में मैंने लिया है सिद्धार्थ देसाई को, और यहाँ से मैं लूँगा रेडर में से सिद्धार्थ देसाई को लूँगा और नवीन कुमार को लूँगा। ठीक है, नवीन कुमार अच्छा खासा रेडिंग है, पॉइंट लेता है, तो और कप्तान मैच का मैच बताऊँगा सिद्धार्थ देसाई को। भाई आप लोग कप्तान का चॉइस आपके लिए सिद्धार्थ देसाई हो गया, विशाल भारद्वाज है कप्तान का चॉइस, विशाल माने कप्तान का चॉइस है, मिराज शेख कप्तान का चॉइस है, ये चार बेस्ट चॉइस है यहाँ पर, सिद्धार्थ देसाई, मिराज शेख, विशाल माने, विशाल भारद्वाज। अब पाटिल भी आपके लिए अच्छा खासा चॉइस है कप्तान के लिए भाई, पाटिल भी अच्छा खासा चॉइस है कप्तान के लिए आपके लिए, तो मैं कप्तान बनाऊंगा सिद्धार्थ देसाई को और वाइस कप्तान विशाल माने को, क्योंकि अच्छा डिफेंस पॉइंट दे देता है। चाहो तो आप लोग यहाँ से ये चेंज एक्सचेंज कर भी सकते हो, कप्तान बना दो सिद्धार्थ देसाई को और वाइस कप्तान बना दो, यहाँ से आप लोग डिफेंडर्स में से तीन भी डिफेंडर आप लोग भी पिक कर सकते हो, रेडर से दो होगा सिद्धार्थ देसाई और यहाँ से सिद्धार्थ देसाई और यहाँ से एन नरवाल, सिर्फ दो रेडर होगा यहाँ से देख लो, दो रेडर और तीन डिफेंडर के साथ जा सकते हो आप लोग, और तीन डिफेंडर तो कप्तान सिद्धार्थ देसाई, वाइस कप्तान रविंद्र पहल, देख सकते हो भाई एक सबसे पहला टीम में मैंने लिया तीन डिफेंडर्स दो रेडर, दूसरा टीम में मैंने लिया तीन डिफेंडर्स दो रेडर। अच्छा हो तो यहाँ से आप लोग रविंद्र पहल को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा रेडर नवीन कुमार को खिला सकते हो। बाकी मेरे चॉइस मानो तो इस मैच के लिए आप लोग मत लो नवीन कुमार को मत लो, और डिफेंडर में से रविंद्र पहल को ले लो, क्योंकि तीनों में डिफेंडर अगर आपके पास रहेंगे तो आपको टेंशन थोड़ा कम रहेगा भाई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। विशाल माने को यहाँ से ले लो, देख लो भाई तीनों मेन डिफेंडर टीम में आ गए, विशाल भारद्वाज, रविंद्र पहल और विशाल माने, इन तीनों पर सबकी नज़र टिकों, क्योंकि ये तीनों अगर अच्छा खासा परफॉर्म कर गए तो आपको यहाँ पे अरबपति बना देंगे। और अरमान और मिराज शेख, सिद्धार्थ देसाई कप्तान और विशाल भारद्वाज वाइस कप्तान, क्या
आज की यही ड्रीम इलेवन टीम वीडियो अच्छी लगी भाई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन दबा देना, ठीक है ना। तो आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो फाइनल टीम आप टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जुड़ जाओ। और लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वही पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी, ठीक है। तो फाइनल टीम प्रीव्यू टेलीग्राम पे। बाय बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना लाइक कर तो मैं अगर आपको एकदम रोज़ अच्छा टीम देने वाला हूँ भाई, बेस्ट से बेस्ट टीम देने के प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी फ्री में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।